Good morning, dear students. Here I am, Ms. Ranu Pawar from Rainbow Children's Academy, and I am here to teach you arithmetic progression, that is the fifth chapter of mathematics of 10th standard. So here we go. Arithmetic progression. Arithmetic progression को ABP कहते हैं. ये एक तरह का series से related chapter है. ठीक है, इसको इसमें series बनती है. Series को identify करना बड़ा ही easy है. इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आपके जो डेली के कुछ एग्जाम्पल सेट नहीं किए जा सकते. इट्स ओनली अबाउट नंबर्स, इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी जो एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं, दैट इज 5.1, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि आपसे रिलेट करते हैं, और उनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स का एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपके लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ भी एग्जाम्पल्स में भी सेट हो सकता है. ठीक है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो करता है डिफरेंस. अगर आप किसी आपको कोई इंसिडेंट दिया हुआ है और अगर उसमें डिफरेंस को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और वो डिफरेंस हर सिचुएशन के बदलने पर भी इक्वल रह रहा है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं. जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 1 है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. टैक्सी फेयर की बात हो रही है. ठीक है, हर एक किलोमीटर के बाद. व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए आपको टैक्सी फेयर दिया गया है 15 किलोमीटर. ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपने रोड शो किया. ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने किलोमीटर शो कर देने के, पहला किलोमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इसी तरीके से किलोमीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि एक टैक्सी है. ठीक है, एक आपके आपने सिंपल एक गाड़ी बना लिया. ठीक है, मान लीजिए टैक्सी है, तो आपको जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो इसका फेयर है, जो इसका किराया है, वो 15 रुपीज है. ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए. उसके बाद आप कहीं पर भी उतर रहे हैं, एडिशनल चार्जेस आपको पड़ रहे हैं. हर एक किलोमीटर के हिसाब से 8-8 रुपए किराया बढ़ता जा रहा है. ठीक है, इसी तरीके से आगे भी बढ़ रहा है. ठीक है, मतलब कि आप किसी टैक्सी में बैठे, आप अगर पहले किलोमीटर में कहीं पर भी आपका लोकेशन है तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे. उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए आपको केवल 8 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि एडिशनल चार्जेस होता है वो ऐड रहेगा. ठीक है, तो इस तरह की अगर आपको इसको सीरीज वाइज देखें तो क्या होगा. देखिए, पहला जो पे की आपने वो किया 15, अगर आप अगले किलोमीटर पे उतर गए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15+8. और अगर आप उससे अगले स्टॉप पे उतरेंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15+8+8. ठीक है, और अगर आप उससे इसी तरीके से 8 क्या होगा, चीजों में जुड़ता जाएगा. ठीक है, तो ये आपका आ गया 15, यहां पे आपको कितना आ गया है, ये आपका आ गया 23. अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 16 और 15 कितना होता है, 31. ठीक है, इस तरीके से फेयर आपका बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको अर्थमैटिक प्रोग्रेशन को समझना है, इसमें कि कौन सा अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इसको सीरीज को फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट से शो कीजिए, और इसके बाद इसका आपको क्या निकालना है, आपको इसका डिफरेंस निकालना है. ठीक है, आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले D1 का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको A2 में से A1 को क्या करना है, माइनस करना है. ठीक है, तो A2 आपका कितना है, दैट इज 23 माइनस 15, और ये आपका कितना आ गया, 8 रुपीज आ गया. अगर इसी तरीके से आप D2 निकालेंगे, D2 का मतलब क्या होगा, A3 में से आपको किसको माइनस करना है, A2 को माइनस करना है. ठीक है, तो 31 में से अगर आप 23 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 रुपीज आ जाएगा फिर से. तो यू कैन सी दैट कि हर एक केस में जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है. इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है. करने का तरीका बिल्कुल यही है.
प्रिकॉशन कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आपका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट हम समझ लेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू इसका जो सेकंड पार्ट है आपको ये बताना है कि क्या वो एबी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर किस शेप का होता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिलेंडर होता क्या है। ठीक है, सिलेंडर में यहाँ पर एक सर्कुलर पार्ट होता है। सर्कुल किससे बनते हैं, रेडियस से बनते हैं। सिलेंडर में ऊपर भी सर्कुलर पार्ट होता है और नीचे भी सर्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है, हाइट पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में पाई जाने वाली हवा की मात्रा। किसी भी बर्तन में, किसी भी वेसल है आपके पास, उसका शेप कुछ भी हो, उसमें जितनी भी हवा की मात्रा होगी वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होती है। ठीक है, जितना उसमें स्पेस वो ऑक्यूपाई कर पाएगी वो उतना ही कर पाएगी जितना उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर है तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसमें देखिए, आप इस तरह से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, आपने इस सिलेंडर में हवा भरी, अब इसमें टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल एयर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इन दी सिलेंडर। ठीक है, इसको वी वन से शो कर लेते हैं। कितना होगा, शुरू में तो टोटल एयर इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा एयर आपकी आ नहीं सकती, तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ एयर के बाद आपको क्या करना है, इन्होंने एंटी क्वेश्चन में बोला है कि जब आप वैक्यूम पंप से एयर निकालने की कोशिश करते हो तो इस एयर का टोटल का 1/4 भाग आप क्या कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगली बारी में लिखेंगे वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर इन वन टाइम। एक बारी में वैक्यूम पंप जो है वो कितना एयर निकाल पा रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम, वी वन का टोटल वॉल्यूम का 1/4। ठीक है, तो 1/4 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाता है, वॉल्यूम कितना है टोटल, पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, तो इतनी हवा आपकी क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, अब लेफ्ट एयर इन दी सिलेंडर, जो आपका सिलेंडर है इसमें हवा कितनी बची है। ठीक है, टोटल में से अगर आप निकलने वाली हवा को माइनस कर देते तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितनी हवा बची है। तो टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/4, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसे बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 1 और यहाँ बचा माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 4 × 4 माइनस 1 मतलब 3/4। 3/4 पार्ट ऑफ एयर आपके पास ये अभी बचा हुआ है, इसमें सिलेंडर में ये पार्ट है। तो ये आपका क्या है, डिफरेंस आएगा, फर्स्ट डिफरेंस है आपका। ठीक है, इसको आप डी वन से शो कर सकते हैं। अब आपको डी टू निकालना है, यदि आपका डी वन और डी टू दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल है, अदरवाइज ये एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास टोटल एयर है। ठीक है, अगला जब आप वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करोगे उसके लिए ये एयर क्या है, टोटल एयर का काम करेगी। तो आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द एयर इन सिलेंडर
लिखिएगा, ठीक है, और उसमें आप क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया बी टू, आ गया आपका ये, अभी आपके पास कितना ये है, आपके पास है 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपको रिमूव करना है, तो रिमूव एयर कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ वी टू, ठीक है, क्योंकि इस सिलेंडर में यही एयर है, तो निकले जब एयर बाहर निकलेगी तो इसी में से निकलेगी, तो यहां पर आप लिख देंगे 1/4 ऑफ 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये बन गया 3/16 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आपको देखना है लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में बची हुई हवा कितनी होगी, ठीक है, तो कितनी होगी टोटल, पहले कितनी थी आपके पास, थी 3/4 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अभी निकली कितनी, 3/16 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच आप कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा 3/4 माइनस 3/16, इनका डेनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 12 माइनस 3/16 विच इज 9/16 विजिबल नहीं, आपका आ गया 9/16 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका आ गया डी टू। अब देखिए डी वन आपका क्या निकला था, डी वन निकला था 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, डी टू निकला है 9/16 पाई आर स्क्वायर एच, तो डी वन डज नॉट इक्वल टू डी टू, तो ये अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसको आप जनरली भी समझ सकते थे, आप इसमें कितना भी हवा होगा, आप एक बार पंप मारोगे तो कुछ हवा बाहर निकलेगा, बाकी का जो एयर होगा वो पूरे में फैल जाएगा, ठीक है, लेकिन एयर कम तो हुआ है ना। अब अगली बार आप फिर से हवा निकालोगे तो वो जो कम एयर था उसी का 1/4 पार्ट ही निकल रहा है। इसको आप किसी जैसे कोई केक है, केक के पीस से भी कर सकते हो, एक पीस है उसमें से एक और काटा, उतना ही और काटा, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, लेकिन हर बार का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से डिफरेंस में बहुत अनइक्वल होगा। पहले थोड़ा कम पोर्शन, सबसे ज्यादा पोर्शन यहाँ पे निकला है, फिर उसके बाद और कम, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एयर का वो कम होता जा रहा है, तो निकलने वाली जो मात्रा है वो भी कम होती जा रही है, तो ये किसी एग्जाम्पल नहीं है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। ये जो आपका दिया हुआ है पार्ट, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी हमने डिस्टेंस वाला पढ़ा, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है कि कोई वेल आप खोदा गया, ठीक है, उसमें अब वेल जो है वो सिलेंड्रिकल है या कैसा भी हो सकता है, ठीक है, उसके शेप के बारे में बात नहीं की गई है, बस उसके मीटर, उसके गहराई के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब इस वेल को खोदा गया तो जब पहला मीटर खोदा तो ₹150 क्या दिए गए थे, ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है, कॉस्ट ₹150 एक मीटर की कॉस्ट है। उसके बाद हर एक मीटर पर कितने रुपए बढ़ रहे हैं, ₹50 बढ़ते जा रहे हैं, मान लिया अगला मीटर लिया है, फिर थर्ड मीटर लिया है, ऐसे ही नीचे जाता जा रहा है, तो हर में कितना आ रहा है, 50 मीटर आ रहा है, ठीक है। देखिए डिफरेंस इक्वल है ना, 150 में 50 ऐड करोगे, A1 ये हो जाएगा, ठीक है। आप A2 निकालना चाहते हैं, A2 में क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जाने के लिए
ऑफ मनी अकाउंट में डाला हर साल व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं एक बैंक अकाउंट में और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया है 8% पर एनम के दर से। आपको ये बताना है कि ये जो कंडीशन है ये अर्थमैटिक प्रोग्रेशन को शो करती है या नहीं करती है। सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होना चाहिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है a-p, ठीक है, और a-, ठीक है, जहां पे a इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है। अमाउंट जो आपको बैंक इंटरेस्ट जोड़ने के बाद देता है ये p होता है प्रिंसिपल, r होता है रेट, n होता है यील्ड, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि आपने कितने हजार रुपए जमा किए, आपने 10,000 जमा किए हैं, ठीक है, और आपने किस रेट पर जमा किया है, आपने 8% पर जमा किया है, और आपने कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं, आप एक एक साल के लिए आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो कंडीशन है ये ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन को क्या करेगी, सिंबलाइज करेगी या नहीं करेगी। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल एक जैसा आता है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए अगर आप निकालेंगे तो आपका अमाउंट कितना जाएगा, आपका जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल पावर n, n की जगह जाएगा 1, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यह आएगा 108 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका है 10,800 रुपीज, ठीक है, ये आपकी अमाउंट चल रही है एक साल की। अब यहां से सी आई निकाल लीजिए, सी आई होता है 10,800 माइनस आपका जो अमाउंट था प्रिंसिपल था वो था 10,000, तो आपका जो इस साल का पहले साल जब आपने जमा किया होगा तो आपका वापस सी आई कितना आ गया, 800 रुपीज आ गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम,
आपका आया 11,664 रुपीज आपके क्या आ रहे इंटरेस्ट आपका जो आ रहा है ए आ रहा है, ठीक है। अब आपको देखो ए चेंज हो गया, अब आपको सी आई निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे ए माइनस बी, ठीक है। अब इस 11,664 में से आपको 10,800 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 864 रुपीज आपका क्या आ रहा है, अमाउंट क्या हुआ आपका बड़ा है, ठीक है। तो आपका आया है रुपीज 864। तो आपका जो डी टू का वैल्यू है, डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस है वो आपका बिल्कुल अलग है। पहले आपके 800 रुपए ब्याज था, उससे अगले साल आपको 864 रुपए ब्याज मिला, फिर आपका अब फिर से प्रिंसिपल चेंज होगा थोड़ी हद के लिए और फिर वो चेंज होगा। इसका मतलब कि आपका डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आने वाला है, और ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो वी विल डू इट टुमारो। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज ऑल दीज फोर क्वेश्चन इन योर नोटबुक। व्हाटएवर क्वेरी यू हैव यू कैन सेंड मी, यू कैन आस्क मी, एंड आई विल टेल यू। सी यू टुमारो, थैंक यू।